एजुकेशन का एक प्रयास है हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ यहाँ पंकज बिष्ट जी हैं। वर्तमान में पंकज जी साम्यांतर पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हैं। आपने बहुत सारे कहानी संग्रह जैसे कि अंधेरे से, चूल्हा प्रदेश, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम लिखे हैं। आपके बाद उपन्यास गोलू और बोलू भी कई भारतीय भाषाओं में अनुदित हो चुके हैं। आपसे आज बात करेंगे दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर श्री एल पी पंत जी। पंकज जी को लगभग 16 साल हो गए, तब मेरे कभी मिला था कभी, तो तब पंकज जी कहते हैं आपके बाल 16 साल पहले काले थे, अब सफेद हो गए। तो मैं कथाकुंभ मैगजीन में होता था, तो संपादक था, उसी दौरान संपादक समयांतर शुरू हुई थी। लेखन के बारे में आपको सब पता है, मैं आपके बचपन के बारे में जाकर शुरू करना चाहता हूँ। 6 साल की उम्र से आप गोटी को पढ़ रहे हैं, स्वाभाविक परिवार का जो माहौल रहा होगा वो लिखने पढ़ने का ही रहा होगा, तो ये लिखने पढ़ने की जो बेचैनी है, जो छटपटा है, वो कैसे पैदा होती है? मैं शुरुआत करने से पहले प्रभा जी को याद करना जरूरी समझता हूँ। पुत्र के साथ जिस तरह से मेरे संबंध रहे, वो जिस तरह की महिला थी, उन्होंने जिस तरह का लेखन हिंदी में किया वो अपने समय से आगे का था, और उसका असर, उदाहरण स्वरूप उन्होंने जो मादाम गोवा के सेकंड सेक्स का अनुवाद किया, या उन्होंने जो बाकी रचनाएँ की हैं, वो सब जो है वो एक हिंदी के लिए एक बड़ा फल होता है। और उस उनके ना रहने के बाद भी जो उनका ना रहना, क्योंकि वो जिस तरह से अचानक गई, उसको हमारे लिए काफ़ी पूरे हिंदी जगत के लिए एक बहुत बड़ा धक्का दे सकता, और उसके बावजूद उनको उस परंपरा को जारी रखना, ये एक महत्वपूर्ण काम है, और हमारे लिए, हम जैसों के लिए एक प्रसन्नता की बात है, क्योंकि वो उनकी स्मृति को भी जगाता है और एक सकारात्मक करने की कोशिश कर रहा है। ये मैं उनका मित्र होने के नाते ये कहना बहुत जरूरी चाहता है, और एक समकालीन लेखक होने के नाते भी बहुत जरूरी समझता था। अब मैं आता हूँ अपने बचपन के बारे में। देखिए ऐसा है कि मैं ये बात करना थोड़ा सा पंच जी गलत कह रही, कि मैं जब 6 में पढ़ता था तब मैंने कुर्की को पहली बार एक्सीडेंटली पढ़ा। मैं जिस परिवार में से आता हूँ वो मूलतः तो एक किसान परिवार है, और ऊपर से वो भी पहाड़ी किसान। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, पहाड़ी किसान जो है अपनी पूरी क्या कहा जाए, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में काफ़ी सीमित दायरे में ऑपरेट करने वाला किसान होता है। उसके जो वैसे तो भारतीय किसान लगातार संकट में रहता है, लोग पहाड़ी किसान उससे भी ज़्यादा संकट में रहता है। मेरे दादाजी शायद गांव से निकले थे, और उनके जो बेटे थे जिनका मैं बेटा हूँ, वो अगर मैं ये कहूँ कि एक एक्सेप्शनल किस्म के आदमी थे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने इतिहास और राजनीति शास्त्र में एमए किया, उसके बाद वो बम्बई में जो उन्होंने जो मुंबई में जो तब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का शुरुआती हो रही थी, उसका नाम तब था सर दोराबजी टाटा इंस्टीट्यूट, उसमें उन्होंने एडमिशन लिया, उस सेकेंड बैच में, तो वहाँ से उन्होंने MSW किया। ये बात है मेरे पैदा होने से पहले, यानी कि 70 साल से ज़्यादा की बात होती है। हर उसके पास ये तो एक मामला था एकेडमिक्स का, लेकिन उनकी जो रुचि थी वो इस तरह की रुचि थी कि हर चीज़ को वो पढ़ते थे। मैंने अजीब अजीब काम उनके साथ देखा, वो जैसे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म भी मैंने उनके सामने देखा, मैंने उनको पतरे भी, पतरे जिसको बोलते हैं हम लोग पहाड़ी में, वो भी देखते हुए देखा। वो ज्योतिषी में भी उनकी रुचि थी, आयुर्वेद में भी उनकी रुचि थी, वो आधे गांधीवादी थे आधे मार्क्सवादी थे, साहित्य में भी उनकी रुचि थी। तो एक तरह से किताब पढ़ने का जो किताब से मेरा जो संपर्क हुआ वो मेरे पैदा होने के साथ ही हो चुका था।
लेकिन अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि मैं अपने घर से हट के अपने परिवार से हट के मुझको लखनऊ जाना पड़ा अपने मामा जी के यहाँ रहने वो पढ़ने। मेरे मामा मेरे पिताजी से एक साल जूनियर थे कॉलेज में जो ग्रेजुएशन के दौरान था, तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ भी उनके यहाँ भी ऐसी परंपरा थी और मैं इत्तेफाक वहाँ छठी में क्लास में था भर्ती हुआ, तो वहाँ वो किताब मेरे हाथ में लगी जिसका नाम था मेरा बचपन। को मैंने तारीख क्यों उसको देखना शुरू किया और जब मैं देखना शुरू किया तो मैं उसको शुरू के चैप्टर पढ़ के तो ऐसा लगा जैसे क्या कहा जाए गोरखी जो है मेरे बारे में ही कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वो जो वो बच्चा अपने नाना के यहाँ है उसकी माँ भी वहाँ है और वो जिस तरह की चीज़ें वो देखता है गोरखी के अपने बचपन में तो वो सब कुछ मुझे लगा। तो वहाँ से एक तरह से क्या कहा जाए साहित्य से मेरा संपर्क हुआ, इस तरह से मैं उस संपर्क में आया। और जो बाद में आपने दूसरा पूछा कि कैसे रुचि बढ़ी, तो नेचुरल होता है कि इससे एक शुरुआत हुई, बाद में मैंने और साहित्य पढ़ना शुरू किया जो धीरे धीरे आप चाहेंगे तो बल्कि मैं एक और बात कह सकता हूँ जो थोड़ा अजीब किस्म की है, वो ये है कि मैं उसी दौरान चूँकि मुझे पढ़ने की थोड़ी रुचि जो बनी तो मेरे हाथ एक और किताब लगी, वो किताब बड़ी विचित्र थी, उसका नाम था खूनी सिगार। मैं क्या चक्कर है तो वो पढ़ने लगा तो मैं पढ़ता चला, वो एक जासूसी उपन्यास था, ये भी समझ लीजिए मैंने वो छठी क्लास के दौरान ही वो पढ़ लिया था। उसके बाद मैं थोड़े प्रतियोगिता में पढ़ता रहा लेकिन बाद में मैंने वो नहीं पढ़ा ये। लेकिन दूसरा जो मेरा जो जो धारा थी साहित्य की मैं उसको पहले रचना से हम बात करेंगे, खासतौर से लेकिन दरबार या चिड़िया का तो पहली रचना प्रक्रिया के बारे में हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कैसे पैदा हुई, और दूसरा 82 में जो आपने लेकिन दरवाजा लिखा और आज भी क्यों प्रासंगिक बना हुआ है, और तीसरा उस चिड़िया का नाम, उस चिड़िया का नाम की जो खासियत उससे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लेखक के तौर पर एक अतीत जीवीपन एक लेखक का दिखता है कि एक माँ एक पिता की मृत्यु उसका नैतिकता दाह संस्कार, तो इन तीनों को आपने किस तरीके से जिया है पहली रचना को और लेकिन दरवाजा चिड़िया का नाम। देखिए मैंने कहानीकार के तौर पर अपना रचना करना शुरू किया और सामान्यतः उपन्यास से पहले एक तरह की जो जो एक्सरसाइज का दौरान है जो एक बड़ी तैयारी के लिए जो अभ्यास की जरूरत होती है वो कहानी लिखना उसका हिस्सा है मैं ये मानता हूँ। देखिए एक कहानी एक कथाकार या का जो एक रचनाकार का जो कथा और प्रोज में डील करता है उसका मानदंड यह है कि वो किस तरह से उपन्यास तक जाता है और उपन्यास लिखता है। उपन्यास के बारे में जैसे कि आप लोग जानते हैं उसको कहा गया है कि आधुनिक जीवन का महाकाव्य है। उपन्यास किस तरह से आप लिखते हैं क्या करते हैं ये एक बड़ी चुनौती हर हर कहानीकार के या हर कथा विधा में जाने वाले की यह रहती है आज के दौर में, तो ये बड़ी भारी चुनौती है। अनुराग रिजवी साहब का ध्यान हो गया, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा देखिए बिस्त जी आप जो हैं जो जिन कवियों में प्रतिभा नहीं है उनको मत पढ़ाइए। मैं चुप आपके साहब ऐसे क्यों कह रहे हैं, बोले कि ये जो विधा है साहित्य की ये ऐसी खतरनाक है कविया कि अगर इसमें आदमी फ्रस्ट्रेट होता है और अधिकांश लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं तो वो कहीं के नहीं रहते, तो इसलिए जो सत्य है वही बताइए, झूठ तो किसी के मुंह देखी मत करिए। जब पता नहीं क्या हुआ मैंने उनके सामने हम लोग कॉफी हाउस के साथी हैं थे मतलब वो बेचारे नहीं रहे, तो जो वो मैं बोलता था तो उन्होंने जब तक उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसे मत करिए, तो मुझको मैं एक तरह से मैं जैसा कि कह रहा था कि शायद ये जो साहित्य कला के समाजों की सीमाएं हैं जिसमें आप इस तरह के चरित्रों को इस तरह के संकटों को इस तरह को देखते हैं, पर देखिए ये उनका कहना सही हो सकता है कि हम लोग सही करें, लेकिन साहित्य कलाएं या जीवन का हर क्षेत्र जो भी क्षेत्र में है आप उसकी अपनी अपने आकर्षण है आपकी प्रवृत्तियां हैं जो आपको एक खास पेशे की ओर ले जाती हैं उनको अपनाने के लिए आपको बाध्य करती है। उसमें हो सकता है कि आप नंबर वन पर ना पहुंचे, हर एक आदमी नंबर पर तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसको प्रयत्न करना उसको
उसको या कहना दूसरों से कि प्रयत्न ना करें तो शायद ये अमानवीय है, अनडेमोक्रेटिक तो है ही, कम से कम तो ये मैं आपके जितने भी समकालीन हैं या मित्र हैं अपने हर अंक में उनका साहित्यिक पोस्टमार्टम किया है तो कैसी मित्रता है नंबर वन। अभी मैं आपको देखा नामवर सिंह जी का आपने मतलब सब दुनिया आप अच्छे से बता पाएंगे अगे को आपने जहाँ मौका मिला आपने उनको धोने की कोशिश की है, हरिवंश राय बच्चन को भी आपने नहीं बख्शा, तो ये किस तरह की मित्रता निभा रहे हैं आप? देखिए ये कहना थोड़ा गलत होगा कि मैंने ऐसा किया है, ऐसा ऐसा है नहीं। मैं देखिए मित्र होने के नाते मेरा मैं अपने सारे मित्र मेरे जानते हैं, जो मेरे आजीवन मित्र रहे हैं वो बीच में से जो नाराज भी हो गए होंगे लेकिन वो मेरे मित्र लगातार बने रहे। मैंने अपने चरित्र में मतलब मेरे एटीट्यूड में मेरे व्यवहार में आप लोग जानते हैं कोई परिवर्तन कभी नहीं आया, आया ही नहीं, मैं बदला नहीं जो मैं अतः हो रहा हूँ, ये मसला नहीं है। हम जिस क्या कहा जाए व्यवसाय कहने से गलत है, जिस शौक में है, जिस क्षेत्र में जो साहित्य का क्षेत्र है, कलाओं का क्षेत्र है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी, चीज़ों को परखना, उनको तटस्थ होकर देखना, ये सबसे बड़ा गुण है। अगर वो नहीं होगा तो आप कभी भी अपने चरित्रों के साथ, अपने विषय के साथ कभी भी आप न्याय नहीं कर पाएंगे, जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बात सबसे बड़ी है। देखिए मैंने किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जो के क्या कहा जो अगर आपको ना कहे तो जो अप्रमाणिक हो और जिसको मैंने ना देखा हो। जैसे आपने मुझसे कहा बच्चन जी के बारे में, हरिवंश राय जी के बारे में मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जब मैंने उनको देखा तो जो मैंने जितना उनको देखा वो समझा, और मैंने उनको बहुत सीमित तौर पर देखा, दो चार दफ़े मैं उनसे मिल पाया और वो मिला तो बहुत बड़ा मामला है तो उनका सम मैंने याद किया। लेकिन मामला शायद अज्ञेय जी को लेकर जो मेरी मेरे पे आरोप हैं या जो मेरे बारे में माना जाता है वो उसका शायद ये आपके बढ़ाने क्लेरिफिकेशन भी हो सकता है। साहित्य से सिनेमा के बारे में क्योंकि आपने सिनेमा में भी काफ़ी लिखा है, बहुत कम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो शुरुआती लेखन के लेख मनोज जोशी के साथ लेखन किया है तो उस पूरे हम लोग कैसे बना, ये आज भी लोगों के दिल में एक बड़ा सवाल है कि उसकी रचना कैसे हुई। तो हम चाहेंगे कि आप हम लोग के जब 84 में साहित्य बनना शुरू कर उससे आसपास 84-81 में कि ये बहुत ही अपमानजनक स्थिति थी, वो उसको छोड़ना चाहते थे और उन्हें करना चाहते थे। इसी बीच जो एस एस गिल नाम के सज्जन जो थे वो आईएमबी के सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में ये था कि वो एक उन दिनों विदेशों में ये चलता था तो उन दिनों वो ऐसा एक धारावाहिक बनाना चाहते थे जिसमें कई लेखक सहयोग करें, ये अपने आप में एक नई बात थी। उस मीटिंग में दिल्ली के लगभग सारे बड़े लेखक शामिल थे जिसमें रघुवीर सहाय कृष्णा सोपती, मृणाल पांडे, ये वो सब लोग थे। वो मृणाल पांडे के माध्यम से, क्योंकि मृणाल जी के हस्बैंड जो हैं वो मध्य प्रदेश के आईएएस कैडर के थे और वहाँ ही से ही वो गिल भी थे तो उनको जानते थे, तो उनके माध्यम से वो सारे लोग गए। उस बात उसको लेकर कोई एग्री नहीं करा। जोशी जी चूंकि संकट में थे और वो कोई रास्ते की तलाश कर रहे थे, उसके अलावा वो इस तरह के प्रतिभाशाली थे कि हर तरह के कामों में वो चले जाते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है ये हो सकता है हम करेंगे, तो इसलिए वो गिल साहब ने उनको ले लिया। कहानी ये थी कि USAID या कोई UN एजेंसी फैमिली प्लानिंग पर एक ऐसा धारावाहिक बनाना चाहती थी जो भारत में जनसंख्या को रोकने में मददगार हो। उसमें ऐसा था कि वो बहुत बड़ा अमाउंट उसको देना चाहती थी। अब ये हुआ कि जब वो अमाउंट देना चाहती थी तो वो उन्होंने दिया था हेल्थ मिनिस्ट्री को, पर हेल्थ मिनिस्ट्री के पास वो तामझाम नहीं था तो वो आईएनबी मिनिस्ट्री के पास आया, तो आईएनबी मिनिस्ट्री ने
जब उनसे बातचीत हुई तो फाइनली ये हुआ कि वो हेल्थ मिनिस्ट्री ने उनको कहा कि हम नहीं करना चाहते, छोड़ देते हैं। तो वो तो हेल्थ मिनिस्ट्री का और जो अमेरिकन पैसा था वो तो उसमें नहीं लिया गया, पर जोशी जी ने और गिल साहब ने मिलके, दोनों ने मिलके इस तरह का प्रोग्राम बनाया कि हम एक ऐसा सामाजिक धारावाहिक बनाएं जो भारतीय समाज के लिए ज़्यादा रेलेवेंट हो। ये हुआ तो हुआ कि मुझसे उन्होंने अब तो एक और मीटिंग, उसके बाद में एक बार तो पहले लेखकों की हो चुकी थी, जो दूसरे बार लेखकों की मीटिंग हुई उसमें ये कहा गया कि किस तरह से कौन जो लेखक हो। हाँ, जोशी जी ने उनसे कहा कि खुद आई इंडियन आईएनबी मिनिस्ट्री में, जिसमें एक इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस होती है, उसके कुछ कई लोग ऐसे हैं जो लेखक हैं, वो ओरिजिनल हिंदी के लेखक हैं, उनको बुलाया जाए, उनको ले लिया जाए, तब हम काम कर लेंगे। क्योंकि वो धारावाहिक लगभग रोज का बनाना चाहते थे, उसके लिए कैसे इतना होता, तो उसमें एक नाम मेरा भी था। मुझे भी उन्होंने बोला, चूंकि मेरे साथ उनके संबंध थे, उन्होंने मेरी कहानियां आंधी भी छापी थी, मतलब शुरुआत से एक तरह से वहीं से हुई थी। तो जब वो वहां पहुंचे, हम लोग वहां पहुंचे, तो वहां उन्होंने हमको बताया कि उसमें रोणवीर कोहली, श्रवण कुमार जैसे लोग भी थे, और भी कई और लोग भी थे जो आए, तो और सब तो खैर वो तो धीरे धीरे बैकआउट कर गए। लेकिन जोशी जी से चूंकि मेरे संबंध थे, मैं वहाँ पीटीआई बिल्डिंग में बैठता था और सामने सड़क की दूसरी ओर दूरदर्शन था, तो तय ये हुआ कि वहाँ हम बैठा जाएगा। और वहाँ बैठ के मेरे लिए, चूंकि मैं वही आईएनबी मिनिस्ट्री वहीं भी था, उन्होंने गिल जोशी जी ने कहा, तो गिल ने सेक्रेटरी थे, उन्होंने ऑर्डर किया, मैं न्यूज रूम में हुआ करता था, मतलब समाज ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज सर्विस डिवीजन में था, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मुझसे कि आप जो है इनके साथ आधा दिन बैठेंगे, तो मैं आधा दिन जोशी जी के साथ बैठता था। वहाँ वो प्लान किया गया कि वो किस तरह से वहाँ वो चलेगा, तो धीरे धीरे वो इस तरह से डेवलप हुआ और वो एक अलग रूप में जो है हमारे सामने आया। उसकी मॉडलिंग बेसिकली जो एक अमेरिका जो मैक्सिकन वो था सीरियल, उसके हिसाब से थी, क्योंकि जब यूएसएड ने उनको मदद की थी तो मॉडल के तौर पर उसी के कैसेट दिए गए थे जो मैंने जोशी जी के साथ देखे भी, तो वो इतने क्रूड थे और इतने क्या था कि भारतीय समाज के हिसाब से इतने ज़्यादा वो थे कि उनको शायद दिखा देना यहाँ संभव ही नहीं था, तो इसलिए वो बदला गया। पर तब तक वो सब विषय भी बदल चुका था, लेकिन जो उसकी जो क्या कहा जाए, जो उसकी जो फॉर्मेट था जो, वो हमने उसमें लिया। और जोशी मैं तो सिर्फ उनका सहायक था, सब वो उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था और वही उसी पर हुआ। इस रूप में मैं शुरुआत में किस तरह जैसे कैसे बनेगा, कई बातें उसमें ऐसी थी जो मैं पहली बार सुन रहा था। जैसे उन्होंने कहा कि हम लोग लिखेंगे, लिखने के बाद साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, सोशोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, इस तरह करेंगे और तब वो उसका रूप बनेगा। तो ये सारी बातें उसमें थी, पर वो बात में कितना दिखाएगा, क्या दिखाया जाता था, तो फाइनली जब वो बनने लगा तो मैं चूंकि मेरी रुचि चूंकि विजुअल मीडिया में नहीं थी, तो मैं उसमें नहीं गया। और के जोशी जी के आग्रह के बावजूद उन्होंने मुझसे बाद में भी कहा तुम बाद में लिखो, मैं नहीं कर पाया, लेकिन वो इस तरह से पूरा का पूरा हम लोग का वो बना। मैं जानना चाह रहा था कि जो वर्तमान समय में भाषा में परिवर्तन आया है हिंदी भाषा में और बाकी क्षेत्रीय भाषा में, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, बहुत निराशाजनक स्थिति है। भाषाएं, भाषा का जो सवाल का जो संबंध है मूलत है, वो ज्ञान को हासिल करने के अधिकार से, वो आपके लोकतांत्रिक अधिकार का आधार है। आप अगर भारतीय समाज को देखें, यहां एक बहुत बड़े तबके को ज्ञान हासिल करने से रोका गया, उसको कहा गया कि अगर वो वेद सुनेगा तो उसके कान में शीशा का पिघलावा डाल दिया जाए। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी को उसकी भाषा में ज्ञान से वंचित कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। ये एक तरह से उसी परंपरा को जो भारतीय समाज की बहुत डीप रूटेड खराबी है उसको परपेचुएट कर रहे हैं। भारत क्यों, आखिर ऐसा क्यों है
कि भारतीय समाज को ये अंग्रेजी का प्रेम इस हद तक वो है कि वो भारतीय भाषाओं से भारतीय लोग ही सबसे पहले उसको पहचानना चाहते हैं। जैसे हिंदी में जो हो रहा है आप देख रहे हैं, तो कंप्लीट पूरी तरह पूरा का पूरा मध्य वर्ग जो है वो अंग्रेजी में चला गया है। तो जो भाषा का जो विकृतिकरण है वो मूलतः उसी मानसिकता का प्रतीक है। भाषा बिगड़ इसलिए रही है कि वहां हर आदमी अपनी हीनता को छिपाने के लिए, वो ये बताने के लिए कि वो पढ़ा लिखा है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं, आपका व्यवहार बताएगा। आप अपने उस अधकचरेपन को छिपाने के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये और हिंदी पत्रकारिता में बहुत बड़े पैमाने पर यह हो रहा है और ये निहायत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाषा को लेकर बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन मैं कुल मिला के यही समय यही कहना चाहूंगा। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि साहित्यकार जो है उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ज्यादा होती है अपने विचारों को व्यक्त करने में, या एक पत्रकार के रूप में जब आपने प्रवेश किया तब आपको लगा कि तब ज्यादा अभिव्यक्ति की अपने अपने मन मतलब स्वतंत्रता होगी, आप अच्छे से अभिव्यक्त कर पाएंगे एज अ पत्रकार? आप देखिए ये इसके मेरे ख्याल से मैं इसको दूसरी तरीके से देखता हूँ। आप एक लेखक के रूप में अपनी बात को कई तरीके से कह सकते हैं, इस अर्थ में कि आप उसको छिपा सकते हैं, कैमोफ्लेज कर सकते हैं, छिपा सकते हैं उसको आप अपने कलात्मकता से उसके असर को कम भी कर सकते हैं। और चूंकि जिस परिस्थितियों में कही गई है बहुत संभव है उसको उस गंभीरता से ना लिया जाए जिस गंभीरता से पत्रकारिता में जाए। पत्रकारिता में भाषा जो है जो विचार जो है उनकी अभिव्यक्ति एक बड़े जोखिम की ओर ले जाती है। जो खतरा यह है कि जो कहेंगे वो प्रमाण के साथ वो होगा तब आपको वो ज्यादा वो करेंगे। तो इसलिए ये अंतर है मूलतः है दो भाषाओं दो माध्यमों का। पत्रकारिता में सीधे सीधे आप कह रहे हैं तो आपका पकड़ा जाना बहुत आसान है, साहित्य में आपका पकड़ा जाना थोड़ा कम है। तो उस अर्थ में साहित्य में अभिव्यक्ति आपको कम खतरे में डालती है, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि साहित्य एक इन्फीरियर कोई मामला है, कोई घटिया मामला है। असल में साहित्य में कही गई बातें अपने मूल्य में जमी रहती है। जैसे उदाहरण स्वरूप महाभारत में युद्ध विरोध है तो अब तक बरकरार है, तो बेमूल उसका जो संदेश है वो युद्ध गलत है वो है। या वॉर एंड पीस में जो टॉल्स्टॉय जो कहा है वो युद्ध के खिलाफ है, तात्कालिक रूप से वो जिसका कहा, लेकिन उसका जो असली संदेश है वो लगातार बना हुआ। उस दौरान पत्रकारों ने क्या कहा होगा वो एक अलग किस्सा है, उसको कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी ये बात लगातार बनी रही। ये दोनों का फर्क। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जयपुर के वरिष्ठ साहित्यकार नंद जी भारद्वाज जी का कि वे यहाँ पर आकर पंत जी का और हमारे आज के मेहमान बिस्ट जी का अभिवादन करें। प्रभाकेतन फाउंडेशन और वी केयर की ओर से पुनः धन्यवाद देना चाहूंगी कलम के प्रस्तुतकर्ता श्री सिमेंस का, कलम के मीडिया पार्टनर दैनिक भास्कर का और कलम के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल मैरियट का। Thank you.